Welcome to the world of Radio Spark, the voice of Jaipuria. Suprabhat, good morning to all. मैं आरजे ईशानवी और मैं आरजे अश्विता रेडियो स्पार्क द वॉइस ऑफ जयपुरिया के मंच पर आप सभी का स्वागत करते हैं। विश्व नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच उपस्थित हैं नृत्य जगत के दो महान कलाकार। हमारी प्रथम अतिथि हैं आचार्य मंजुला निगम जी, जो कथक नृत्य में प्रभाकर तथा विशारद हैं। आपने गायन तथा तबला के क्षेत्र में भी प्रभाकर किया है। आप भगवती संगीत विद्यालय की संस्थापक तथा प्रधानाचार्य भी हैं। आप प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ एवं गांधर्व महाविद्यालय मुंबई की परीक्षक भी हैं। हमारे दूसरे अतिथि श्री सौरभ सिंह जी हैं, जो नृत्य की विभिन्न शैलियों में पारंगत हैं। आपने मुंबई में प्रसिद्ध कोरियोग्राफर व गायक श्री श्यामिक दावर जी से जैज और कंटेम्प्रेरी डांस सीखा। मैम और सर, हम दोनों आपसे नृत्य के विषय में बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं। मैम, कथक क्या है, इसके विषय में कुछ बताइए। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कथक के साथ में भरतनाट्यम, मणिपुरी, कई विधाएँ जो हैं शास्त्रीय नृत्य में आती हैं, लेकिन प्रमुख कथक है। उत्तर प्रदेश भारत में कथक नृत्य ही प्रचलित है ज़्यादा। अब आजकल शास्त्रीय नृत्य जैसे कथक, भरतनाट्यम काफ़ी लुप्त होते जा रहे हैं। नहीं तो ये आजकल जो है ना, लोग शास्त्रीय नृत्य की तरफ, उसमें टाइम बहुत लगता है, लोग लगते कम हैं, जबकि कथक नृत्य सीखने से बहुत फ़ायदा होता है। और आजकल लोग फोक डांस टाइप में कम टाइम में सीख के पारंगत होना चाहते हैं। और हम लोग शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में हमें क्या प्रयास करने होंगे? यही प्रयास करना कि सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, सब चीज़ करना चाहिए। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, आजकल सब बच्चे वेस्टर्न डांस क्यों सीखना चाहते हैं? इसका बहुत सिंपल सा एक आपको मैं आंसर दूंगा। बिकॉज आप अगर 15-20 साल पहले देखिए तो मीडिया और एक्सपोजर नहीं था। मीडिया का सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके यूट्यूब चैनल्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गए। अब क्या है, एक्सपोजर है आपका। क्योंकि क्या है, पहले जो हम लोग बॉलीवुड से देखते थे डांस, लोग वही सोचते थे यही डांस है। और अब जो जैज़ है, कंटेम्प्रेरी है, सालसा है, जुम्बा है, वॉट एवर, जो भी आप अगर इसको ले कर जाएँ, लैटिन अमेरिकन डांस फॉर्म्स हैं, उसका कोई ना यहाँ पे कोरियोग्राफर्स होते थे, ना उनका कोई इंस्टीट्यूट था, ना वो सिखाया जाता था ओपनली। जब बच्चों ने आजकल देखा मीडिया में, जब उनको उन्होंने यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, तो वो डांसेस देख रहे हैं जो रेगुलर डांसेस नहीं है, जो क्लासिकल डांस नहीं है। तो इसीलिए उनको उस पर ज़्यादा रुझान कह लीजिए या इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सीख के हम कुछ नया करेंगे। और शास्त्रीय नृत्य जैसे मैम ने कहा, उसमें 7-8 साल लगते हैं उसको करने के लिए। उसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। आजकल बच्चे में भी शायद उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वेस्टर्न डांस इजी लगता है, और वो क्या है, आपके यूट्यूब में अवेलेबल है, तो वो उसको देख के वही उसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो है उसका जो है इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा लोग करना चाहते हैं। और सर, वेस्टर्न डांस में नई नई विधाएँ आ गई हैं। हाँ, बिकॉज इसलिए आ गई हैं, उसका एक रीज़न ये है, आजकल जो है दो डांस फॉर्म को मिक्स करके कुछ नया करने की चाह है। और जितने आप अगर न्यूज़ चैनल देख लीजिए या आप जितने भी चैनल्स देखिए, उसमें अलग अलग हर चैनल पे डांस कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। डांस कॉम्पिटिशन का मतलब है कि आपको कुछ डिफरेंट प्रेजेंट करना है, तो उसमें कॉम्पिटिशन की एक भावना जगती है जब, तो आप कुछ अलग करना चाहते हैं। जैसे आज आपका इंटरनेशनल डांस डे है, आपके जयपुरिया में ही डांस कॉम्पिटिशन हुआ है, तो उस कॉम्पिटिशन में भी अलग अलग वेराइटी लोग करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम जो है डिफरेंट डांस फॉर्म्स को मिक्स करके एक नया फॉर्म डेवलप कर रहे हैं।